एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। क्या है? ओम सिंह ने कोर्ट में बयान दिया और उस बयान में इस बात को लिखा गया था कि ज्योति सिंह के पेट में एक गोली का निशान है। ज्योति सिंह उस पे क्लियर करते हुए बताती तो है, जो कि हम आगे बताएंगे कि उनके पेट पे गोली का निशान कैसे है, लेकिन वो इस बात को भी बताती है कि देखिए मीडिया वाले भाई साहब जो आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे पेट पे गोली का निशान है, इस चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर भी हम पवन सिंह के साथ रहना चाह रहे हैं, उस पवन सिंह के साथ रहना चाह रहे हैं जिनको एक बहुत बड़ी बीमारी है। और रही बात छुपाने की नंदा, तो एक बीमारी तो सामने वाले को भी है जो हमने अभी तक जिक्र भी नहीं किया। क्या है? जी हाँ, ज्योति सिंह जो कि पवन सिंह की पत्नी है, अभी फिलहाल में पत्नी है, वो बतौर पत्नी सीधे आरोप पवन सिंह पे ये लगाती है कि पवन सिंह को एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब वो बीमारी क्या है, कैसे है, जब मीडिया वाले पूछने जाते हैं तो वो बताती है कि देखिए ऐसा है ना कि अभी पवन सिंह अपना गवाही दिए हैं, हमारा गवाही होना बाकी है, और जैसे जैसे वो बात बोले हैं, जैसे कि मेरे पेट में गोली का निशान है, तो हमारे किसी और लड़के के साथ हमारा रिलेशनशिप था, और भी तरीके तरीके की बात जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो पवन सिंह ने जिस तरीके से कहा है उस तरीके से हम भी सारी बातें जाके जब मेरी गवाही होगी तब हम कोर्ट में कहेंगे और तब जाके हम मीडिया में जवाब देंगे। अब देखिए पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का गवाही होना बाकी है और जब गवाही होगा तब पता चलेगा कि पवन सिंह को कौन सी ऐसी बीमारी है जिस बीमारी के होने के बावजूद भी ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ रहना चाहती है। ये मतलब पवन सिंह के फैंस के लिए बहुत दुख की खबर है। अगर ये सच बात होता है कि पवन सिंह को कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, तो ये बहुत दुख की खबर है। अब बात करते हैं ज्योति सिंह को वो गोली लगी कैसे। तो यूट्यूब पे ये वाला चैनल है, इस चैनल के इंटरव्यू के दौरान ज्योति सिंह बहुत सारी बात तो बोलती है, वहाँ पे ये भी बताती है कि उनके पापा किसी शादी वादी में गोली वोली फायर कर रहे थे, दो गोली बच गया तो उनको लगा कि अब गोली नहीं है और गोली चलाएं तो जाके सीधे ज्योति सिंह के पेट में लगा। और बाकी और भी सारी बातों का जवाब बड़े खुले तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से देती हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके तो और सारे बॉयफ्रेंड हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपके कितने सारे बॉयफ्रेंड हैं, तो ज्योति सिंह सीधा कहती है कि मुंह से बोलने से क्या होता है, मुंह से तो कोई किसी को बोल देता है, अगर आपके पास प्रूफ है तो लेके आइए, मेरे सामने पेश कीजिए, उस लड़के को पेश कीजिए, वीडियो वीडियो पेश कीजिए, और अगर ऐसा कुछ होता है फिर मैं गलत हूँ और फिर मैं अपने गलती को एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन बिना सबूत के मेरे सामने बात मत कीजिए। इतना ही नहीं, उन पे नशा का भी आरोप लगता है कि ज्योति सिंह नशा करती हैं अजीब अजीब तरीके का। इस पे भी सीधे कहती हैं सबूत, इस तरीके से कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकता है, किसी के पास कोई सबूत है तो मेरे सामने पेश करें, तब जाके मैं अपनी गलतियों को मानूंगी। लेकिन अब ज्योति सिंह का इंटरव्यू बाकी है और ये मतलब जो मामला है वो और बड़ा तेजी से तूल पकड़ते जा रहा है। अब सब लोग एक दूसरे की राज खोलने पे तुले हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देखा जा सकता है कि पवन सिंह ने राज खोला, अब बारी ज्योति सिंह की राज खोलने की। अब अगले बार जब ज्योति सिंह का गवाही होगा तो वो राज खोलेंगी कि पवन सिंह को कौन सी बीमारी थी, और भी बहुत सारी राज जिसके बारे में बोल रही है ज्योति सिंह कि इसको एकदम सस्पेंस बना के और सिनेमा की तरह धीरे धीरे रिलीज करेंगे। खैर इन सारे मामलों पे आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके बताइए। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त।